हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में जो आम तौर पर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, तो सेल एड्रेस के बारे में ठीक से जानकारी होती नहीं है और फिर वो फंस जाते हैं। ठीक है, यही चीज मैं एक्सेल पे भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ, यहाँ पर रख दिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस रख देते हैं PRICE प्राइस, ठीक है, फिर यहां यूनिट कर देता हूं यूनिट, और फिर यहां टोटल करता हूं टोटल। तो ये जो टोटल है इसी पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर क्या करता हूं टैक्स कर देता हूं कि कितना टैक्स लगेगा, वो अमाउंट यहां पे आएगा, तो टैक्स अमाउंट कर दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर कहीं टैक्स लगा लेते हैं हम, तो ये लिख दिया टैक्स, और टैक्स का जो जिक्र है वो यहाँ पे करेंगे। तो मान लीजिए 10% का टैक्स लगा दिया, मान लीजिए इन सब पे कितना लगा दिया 10%, यहाँ परसेंट भी लगा दिया है हमने। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, आप चाहे तो इसके लिए ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं, ठीक है, जितना भी आपको ड्रॉप डाउन बनाना हो उतना पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको जाना होगा डेटा पर, और फिर डेटा पर जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना होगा, और डेटा वैलिडेशन पे जा करके, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर आपको चूज करना होगा लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये देख रहे हैं लिस्ट ऑफ आइटम, ये चूज कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आइटम की लिस्ट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूं मैं कीबोर्ड कॉमा माउस कॉमा बार कोड रीडर, ठीक है, कॉमा हेडफोन कॉमा माइक्रोफोन कॉमा ईयरफोन, इस तरह की चीजें हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कर दिया हमने, इस तरह से हमने ये कर दिया, और यहां से ओके प्रेस करेंगे, ये सेव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आपको दिखाई पड़ेगी। अब देखिए ये ड्रॉप डाउन आ गई है, यहां पर क्लिक करिए कीबोर्ड, फिर यहां पर क्लिक करिए तो यहां से माउस, और तमाम इस तरह से चीजें आप कर सकते हैं। ये बार कोड रीडर ले लिया आपने, फिर यहाँ पे हेडफोन ले लिया, इस तरह एक्सेल में भी बना सकते थे आप, और फिर यहाँ पे माइक्रोफोन कर देता हूँ, और एट लास्ट यहाँ पे ईयरफोन कर देता हूँ। तो ये सब हो गया। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो ये जो है ना हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पर भी एक और आ रहा है, तो एक बार और यहाँ पे, तो दो बार माइक्रोफोन का जिक्र किया हमने, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते क्या है कि फॉर्मेट जो है इसका, ये जो प्राइस है इसका फॉर्मेट जो है, या फॉर्मेट पे जाना है हमें, और यहाँ नंबर पे आना है, और नंबर में इसे हम एक करेंसी रखना है, ठीक है, क्या रखना है करेंसी, और करेंसी में भी क्या रखना है इंडियन रूपी। ये इंडियन रूपी का सिंबल जो है वो यहाँ पे आता चला जाएगा अगर हम प्राइस की बात करें तो। तो यहाँ पर अगर कीबोर्ड के प्राइस की बात करें तो 220 रुपए कीबोर्ड की प्राइस है, एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ रुपए का सिंबल अपने आप आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से माउस की प्राइस 120 रुपए है, ये लिख दिया हमने। इसी तरह से बारकोड रीडर की प्राइस है 1200 रुपए, ठीक है, फिर नीचे आए हेडफोन की प्राइस है 750 रुपए, फिर नीचे आए, फिर यह माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन है 400 रुपए का, ईयरफोन है 120 रुपए का, और फिर यहां माइक्रोफोन जो है वो है 180 रुपए का। तो इस तरीके से ये हमने रिकॉर्ड फिल कर दिए। अब यहां पे यूनिट की बात करते हैं, तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, रेंट बिटवीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे आप एक्सेल पे यूज करते हैं। तो यहां देखिए आर ए एन डी रेंट बिटवीन, तो यहाँ देखिए रेंट रेंट बिटवीन रेंट एरे, ये रेंट एरे अलग से दिया हुआ है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले रेंट बिटवीन लगा लेते हैं। तो ये रेंट बिटवीन लगा लिया, यहाँ पर टैब काम करता है बखूबी, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूं 16 से लेकर और 18 के बीच के नंबर आ जाए ऐसा मैं चाहता हूं, तो यहाँ पे 18 आ गया। अब इसको यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए और इसको ड्रैग कर दीजिए, ये इनेबल फिल हैंडल सर्विस के कारण होता है ऐसा कि आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, फिर पेस्ट स्पेशल करके और इसे वैल्यू बना दीजिए, अदरवाइज ये चेंज होता रहेगा। अब ये चेंज नहीं होगा, यहां पर आकर के टोटल कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं आमतौर पर कि कोई भी फॉर्मूला गूगल शीट में भी इक्वल टू के निशान से ही शुरू होता है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पर ऐसे सम लगाएंगे कुछ आएगा ही नहीं, तो आपको इक्वल टू लगाना ही लगाना है। लेकिन आपको यहाँ पर आपको सेल एड्रेस दिख रहा है जिसे हम नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे होती है, अगर आपको नेम बॉक्स में जाना है तो कंट्रोल के साथ जे प्रेस कीजिए और नेम बॉक्स हाईलाइट हो गया है, देखिए यहाँ साइड में नेम बॉक्स हाईलाइट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ इक्वल्स टू लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा लेते हैं, इक्वल टू, ठीक है,
और अब मल्टीप्लाई करना है 220 को, यानी 220 लिखा हुआ है सेल रेफरेंस B2 में, इसका सेल एड्रेस क्या है B2 है N2 और ये 18 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पे सब कुछ आ चुका है। यहां नीचे देखिए सजेस्टेड ऑटोफिल आ रहा है, आप खाली टिक पे क्लिक कर दीजिए, ये सब कुछ अपने आप फिल हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, एक्सेल में भी आपको मिल जाती है और गूगल शीट में तो और भी बेहतर तरीके से आपको मिलती है, तो बहुत ही शानदार फीचर है ये। चलिए टैक्स अमाउंट की बात करते हैं, टैक्स अमाउंट इसी में छिपा होगा ना, अब कीबोर्ड है तो जितनी भी कीबोर्ड खरीदे इसी में टैक्स कुछ लगा होगा, तो टैक्स कहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, ये देख सकते हैं ये टैक्स दिया हुआ है 10% इज इक्वल टू के निशान से कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा और इसी में छिपा होगा टैक्स, तो D2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो सेल एड्रेस है ये देख सकते हैं H1 2 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे 396 रुपए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अब स्टूडेंट यही गलती करते हैं, यहां पे जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये 000 हो जाएगा। एक्सेल में भी इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि सेल एड्रेस मेन है। अगर आप सेल एड्रेस नहीं सीखते हैं एक्सेल में तो फिर एक्सेल आपके लिए बेकार हो जाएगा, भले ही आप दो चार फॉर्मूला जानते हो लेकिन आपको सेल एड्रेस भी आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां पे क्लिक करता हूं और यहां से F2 प्रेस करता हूं तो ये फॉर्मूला हाईलाइट हो जाएगा। अभी चेंज क्या हो रहा है, तो हमारा रो जो है वो चेंज हो रहा है, इसको हम डॉलर लगा करके फिक्स कर देते हैं, यानी इसे बना देते हैं मिक्स सेल एड्रेस और यहां तो ये खींच के ड्रैग कर दीजिए, तो ये ड्रैग करते ही सारी चीजें आ जाएंगी। और ये चीज जो है बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं और इस तरीके से ये आप कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा, उम्मीद करता हूं जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी आई होप कि उनको समझ में आ गया होगा, हालांकि पहले भी मैं समझा चुका हूं इस बात को, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत होती हो तो फिर भी मैं बताऊंगा। और यहां से कंट्रोल बी प्रेस करके इसको बोल्ड कर लेता हूं और आप चाहे तो बॉर्डर वगैरह भी बना सकते हैं इस पे, यहां पे आइए और पूरे को सेलेक्ट करके और यहां से बॉर्डर बना लीजिए, आप यहां पर भी आसानी के साथ बॉर्डर बना सकते हैं आप। ये देखिए ये बॉर्डर बन गया, अगर बॉर्डर पे कलर देना चाहते हैं, कोई कलर बॉर्डर पे लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं इजिली, नो प्रॉब्लम। ये देखिए ये बॉर्डर जो है रेड कलर में हो गया, आप देख सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपका काम जरूर आसान हो जाएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।